थे उनकी। मैंने कुछ समय पहले कुछ इंटरव्यूज देखे थे कुछ कुछ बुद्धिजीवियों के, तो वो बता रहे थे कि भाजपा के DNA में ही है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि जब आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना तो आप चुनाव में भी नहीं जीत पाएंगे। मैं तो बात करूंगा, ये जांच का विषय है, आप जांच कर हमारी मांग ये है कि इस जो दिल्ली में दंगे हुए हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी पर जांच की जाए और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की जनता से हमारी अपील है कि अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाते हुए इन लोगों को किक मार के बाहर करने का काम करें। बात करूंगा, ये जांच का विषय, आप जांच कर हमारी मांग ये है कि इस जो दिल्ली में दंगे हुए हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी पर जांच की जाए और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की जनता से हमारी अपील है कि अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाते हुए इन लोगों को किक मार के बाहर करने का काम करें। लगता है ना कोई और मनसा तो नहीं है? मुझे तो कई बार ये लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो अभी सर्कुलर जो अपने ट्वीट में बोला था कुछ समय पहले कि हम सभी लोगों, अभी जो अफवाह फैली थी 2-3 दिन पहले कि हम सभी लोगों के जो है ना सोशल मीडिया को नज़र रखेंगे, मुझे लगता है उसके डर से जो है ना मोदी जी अपना ट्विटर भी बंद कर रहे हैं, अपना सोशल नेटवर्क सारा का सारा बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है कि कहीं ना कहीं वो भी तो नहीं इस चीज़ में फंस जाएंगे, तो ये एक बात हो सकती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत समय से ये चलता रहा है, सब लोग ये कहते रहे हैं, इनका भी मानना बहुत होगा। जो भाजपा की जो सरकार है, जो बीजेपी की जो सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम का लगातार कार्ड खेलते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय भी वही चीज चल रही है? बलात्कारी, सही बात है उनकी। मैंने कुछ समय पहले कुछ इंटरव्यूज देखे थे कुछ कुछ बुद्धिजीवियों के, तो वो बता रहे थे कि भाजपा के DNA में ही है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि जब आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना तो आप चुनाव में भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान कराने की वजह से जो है भाजपा सरकार दिल्ली में 3-8 सीटें जीत जाती है। ठीक है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करा के, हालांकि दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि उन्होंने सही सरकार को चुना, सही कम से कम उस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है जो हिंदू मुसलमान करके शाहीन बाग करके वो चुनाव जीतना चाहती थी उसको रिजेक्ट करने का काम किया है दिल्ली की जनता ने, और कहीं ना कहीं वो विफल हो रहे हैं। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में जब ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो हो सकता है अब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है, बिल्कुल बिल्कुल मिल गए, हम कौन सा कह रहे नहीं मिल गए। ठीक है, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो भी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, हम भी उनके ऊपर भी, हमारा हमला उनके ऊपर भी है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है ना, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आपके बड़े बड़े वोटों से तो जीत जाती है, ठीक है, आपके फ्री के वायदों से तो जीत जाती है, लेकिन जब आप बात करते हो कि जो है हम अमित शाह के साथ हाथ मिलाएंगे, हम अमित शाह के साथ जो है बात करेंगे, तब मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो JDU हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे जो है आने वाले समय में, क्योंकि अब सोच रहे हैं, मुझे भी लगता है कि केजरीवाल जो है अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भी बहुत सेफ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि दिल्ली में जितनी हिंसा हुई है वो लोग बाहर से नहीं आए हैं, जितने भी हिंसा हुई है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे बीच से निकले हुए लोग। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच से निकले हुए लोग मतलब समाज के बीच से निकले हुए लोग, यही ना, दिल्ली के ही लोग। मुझे लगता है कि कई बार लोगों को ना सिर्फ गोदी मीडिया को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो इलाका है जहाँ पर भी ये हिंसा हुई है, जहाँ पर भी ये दंगे हुए हैं, वो सारा का सारा जो एरिया है ना वो गाज़ियाबाद के नज़दीक पड़ता है, और हमें पता है कि RSS का काम गाज़ियाबाद में कितना एक्टिव है। ठीक है, जब ये कॉल आता है कपिल मिश्रा जब वहाँ पर जाके DCP के साथ खड़े होकर जब ये बोलते हैं कि भैया जो है आधे हम ट्रंप के जाने तक जो है चुप रहेंगे वरना हम आपको देख लेंगे, ये किस तरीके का बयान है मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर, गाज़ियाबाद आधे घंटे की दूरी भी नहीं है वहाँ से, सारे के सारे लोग वहीं से आए हैं, और जब आप विक्टिम्स से बात करते हैं ना, दिल्ली में जितने भी दंगे हुए उनसे जब बात करते हैं तो उनसे अगर आप पूछेंगे ना कौन लोग थे, तो वो भी बताते हैं हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, हमने इनको कभी देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब जब आप ये कहते हैं ना मोहन भागवत जी कि ये हमारे बीच के लोग हैं, तो मुझे लगता है वो अपने लिए ये बात इंगित कर रहे थे कि वो RSS के ही लोग थे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा,
क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा था कि सन 2024 में हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे देश को बढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है वो समय आ चुका है? इनकी इनकी जो सोच है ना, उसके ऊपर पानी फेरने का काम इस देश का युवा करेगा, इस देश के किसान करेंगे, इस देश के मजदूर करेंगे। सोचते रहे, कुछ भी सोचने दो यार इनको, ठीक है, सोचते रहे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते रहे। हमें पता है जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो हिंदू मुसलमान को बचाता है और मुसलमान हिंदू को बचाता है। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो उस एकता को पहले तोड़ना पड़ेगा, और वो एकता इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। जब दंगों में आप उस एकता को नहीं तोड़ पाए, तो क्या ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आने वाले समय में ये अपने गंदे इरादों को जो है वो अंजाम दे पाए।